स्त्री बॉयस एंड गर्ल्स, मैं जगरूप सर मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई हेल यू गाइस इन दी ऑनलाइन क्लास ऑफ मल्लामा पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू गिव यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण टॉपिक देने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? एक कविता है, उस कविता का नाम है द विलेज सॉन्ग। कक्षा 10 के छात्रों, फॉर 10th क्लास, बेटे बोलो क्या? फॉर 10th और क्लास, सभी बच्चों की समझ में कविता आ जाएगी जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक कविता बहुत सी महत्वपूर्ण है। उस कविता का नाम क्या है बेटे? कविता का नाम क्या है? द विलेज सॉन्ग। बताओ क्या लिखा है? VILLAGE विलेज, और ये लिखा है सॉन्ग। इसको लिखता कौन है, हमारे रचनाकार इसका कौन है, इसकी रचयिता कौन है? तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। बेटे बोलो अच्छे बच्चों, सरोजिनी और क्या है? नायडू। इसको लिखती है सरोजिनी नायडू, यानी IDU सरोजिनी नायडू इस कविता को लिखती है विलेज सॉन्ग। बेटे किसका सॉन्ग है विलेज सॉन्ग? गांव का गीत। बताओ किसका गीत? गांव का गीत। तो गांव में किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं उसके विषय में सरोजिनी नायडू आज बता रही हैं। बेटे कविता भी पढ़ाने जाएंगे, पढ़ाएंगे तो एक एक बात समझ में आ जाएगी। विलेज सॉन्ग, विलेज माने गांव का, सॉन्ग माने गीत। किसका गीत है? गांव का गीत। इसकी कंपोजर कौन है, कवित्री कौन है, इसकी रचनाकार कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इज द कंपोजर ऑफ द पोएम द विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग नामक, विलेज सॉन्ग नामक कविता की जो रचयिता है या कवित्री है वो सरोजिनी नायडू है। Who is the composer of the poem The Village Song? सरोजिनी नायडू is the composer of the poem The Village Song. सरोजिनी नायडू is the composer of the poem The Village Song. विलेज सॉन्ग की रचयिता का, रचनाकार या कवित्री सरोजिनी नायडू है। तो बताया क्या गया है, इसमें विवाह के कुछ गीत गाए गए हैं। एक माता होती है, ये बेटे समझ में आया है, और एक पुत्री होती है। एक माता की कहानी है और एक पुत्री की कहानी है। तो ये मदर है, बताओ कौन है? मदर है। ये बिटिया है, कौन है? बिटिया चली ससुराल। ये डॉटर है, बताओ क्या बेटे? ये डॉटर है, और ये कौन है? मदर है। तो बिटिया चली ससुराल, बिटिया चली ससुराल। बेटे बहुत अच्छी तरह से सुनोगे तो इसमें कहानी बताई गई है। बिटिया जंगल को जा रही है, कहां को? जंगल को जा रही है। तो माता जी उससे पूछती है कहां जा रही हो बेटी? तो बिटिया तो जाना है कहां? अब तो जा रही है जंगल को। तो जंगल में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनको देखेगी, जैसे नदियां बहती हैं, कोयल बोलती है, और जैसे वहां के मनमोहक वनतरु हैं, माने पक्षी का गायन है, पेड़ पौधे वन तरु माने पेड़ पौधे जो हैं वे बड़े मनमोहक हैं, वहां जा रही हैं। तो माता जी उससे क्या कहती हैं? बिटिया से कहती हैं कि तुम्हारे विवाह के गीत गाए जा रहे हैं, और तुम्हारे तुमसे विवाह करने वाला कि तुम्हारा दूल्हा होगा वो घोड़े पर सवार होकर आएगा, लेकिन तुम आज उसको दुख देकर जा रही हो, उसे छोड़े जा रही हो। तो इसमें कविता में लिखा है और आगे
कि विवाह की जो रोटियां है वो सोई सेकी जा रही है चूल्हे के ऊपर, लेकिन तुम तो अनुपस्थित रहोगी, तुम तो यहां से चली जा रही हो। तो बेटे पूछता पूछती है माता कहां जा रही हो, तो बिटिया उत्तर देती है कि मैं तो जंगल को जा रही हूँ, मैं मंगल मनाने जा रही हूँ। बेटे समझ में आया, जंगल में ही मंगल है। तो अब इस कविता को पढ़ाने जा रहे हैं, हमने कुछ चीजें इसमें जो महत्वपूर्ण थी उन्हें बता दिया है। माने आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग व्हिच वाज इंपॉर्टेंट इन दिस पोएम। आगे चलते हैं बेटे, अब इसको और अपनी पुस्तक को निकालिएगा। अब पुस्तक को निकालने के बाद बेटे देखोगे कि कितना महत्वपूर्ण ये वीडियो है, कितना महत्वपूर्ण ये पढ़ाई है। यहां पर कविता की जो लाइन है वो लिखेंगे और उसके आगे पढ़ाएंगे। पहले पढ़ा रहे हैं उसके बाद में लिखेंगे। हनी चाइल्ड व्हाइदर आर यू गोइंग। कहता क्या है, हनी चाइल्ड व्हाइदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड, हनी माने शहद होता है, बताओ बेटे क्या होता है, शहद होता है। हनी मीन्स क्या होता है, शहद होता है, और चाइल्ड मीन्स बच्ची होता है। हनी चाइल्ड Whither are you going? Honey child, whither are you going? Honey child, honey का अर्थ होता है शहद, और शहद का अर्थ यहाँ पर क्या है, बहुत प्यारी प्यारी सी बिटिया रे। हनी माने शहद अर्थात प्यारी सी, चाइल्ड माने बच्ची, ए प्यारी सी बिटिया। हनी चाइल्ड ए प्यारी सी बिटिया। फाइदर माने कहां को, आर माने हो, यू माने तुम, गोइंग माने जा रही हो, कहां तुम जा रही हो, ए प्यारी सी बिटिया रे, कहां तुम जा रही हो। हनी चाइल्ड फाइदर आर यू गोइंग, हनी चाइल्ड फाइदर आर यू गोइंग, ए प्यारी सी बिटिया रे, कहां तुम जा रही हो। फाइदर माने कहां को, आर माने हो, यू माने तुम, गोइंग माने जा रही हो, कहां को तुम जा रही हो, ए प्यारी सी बिटिया, ए मेरी प्यारी सी बिटिया, कहां तुम जा रही हो। पहली लाइन सबकी समझ में आ गया होगा, बच्चे एस करेंगे या नो करेंगे कमेंट में लिखेंगे कि समझ में आई है कविता की नहीं आई है। आगे लिखा है वुड माने अगर कहीं पर बी सेल है, सेल में माइट कैन कुड सबसे पहले आएंगे तो उसका अर्थ होगा क्या। यू माने तुम, कास्ट माने फेंक दोगी, योर माने अपने, जेवेल्स माने आभूषण। बताओ जेवेल्स माने क्या होता है बच्चों, बोलो आभूषण। जेवेल्स माने क्या होता है बेटे, किताब देखिएगा, आभूषण। जेवेल्स माने क्या होता है, आभूषण। क्या तुम फेंक दोगी, वुड यू कास्ट, वुड माने क्या, यू माने तुम, कास्ट माने फेंक दोगी, और योर माने अपने, जेवेल्स माने आभूषण, आल माने सभी, क्या तुम अपने सभी जेवरातों को फेंक दोगी। क्या तुम अपने सभी जेवरातों को फेंक दोगी, वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी ऑल योर, बेटे जेवर्स, अपने सभी जेवरातों को। टू बताओ किसमें फेंक दोगी, ब्रीज इज ब्लोइंग, ब्रीजेस माने ठंडी ठंडी सुगंधित हवा, ब्लोइंग माने चलने वाली, ब्रीजेस माने ठंडी ठंडी सुगंधित हवा, ब्लोइंग माने चलने वाली। क्या तुम अपने सभी जेवरातों की को ठंडी ठंडी चलने वाली हवा में फेंक दोगी, क्या तुम अपने सभी जेवरातों को चलने वाली ठंडी ठंडी हवा में फेंक दोगी।
वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी, किसको बताओ, ऑल योर जेवेल्स माने अपने सभी आभूषणों को, अपने सभी जेवरातों को, टू दी ब्रीजेस ब्लोइंग माने चलने वाली ठंडी ठंडी हवा में, क्या तुम अपने सभी जेवरातों को फेंक दोगी, वुड यू कास्ट ऑल योर जेवेल्स टू दी ब्रीजेस ब्लोइंग, ब्रीजेस माने ठंडी ठंडी सुगंधित हवा, ब्लोइंग माने चलने वाली। बेटे समझ में आ गया है दोनों लाइन। तीसरी लाइन देखो, उड माने क्या, यू माने तुम, लीव माने छोड़ दोगी, क्या तुम छोड़ दोगी, दी मदर माने माता को, क्या तुम माता जी को छोड़ दोगी, हू माने जिसने, हैज फिट माने आखिरी में देखो बेटे इनका हैज फिट, हैज फिट माने खिलाया है, यू माने तुमको क्या खिलाया है, गोल्डन और ग्रेन, गोल्डन माने सुनहरी, यहाँ पर अर्थ है गेहूं की, और ग्रेन माने अनाज अर्थात रोटियां, जिसने तुम्हें बताओ गेहूं की रोटियां खिलाई है, क्या तुम अपनी माता को छोड़ दोगी, जिसने तुमको गेहूं की रोटियां खिलाई है, क्या तुम अपनी माता को छोड़ दोगी, जिसने तुम्हें गेहूं की रोटियां खिलाई है, उड यू लीव, उड माने क्या, यू माने तुम, लीव माने छोड़ दोगे, योर माने अपनी, मदर माने माता को, हू माने जिसने, हैज फिट माने खिलाई है, यू माने तुमको, द गोल्डन माने गेहूं की, ग्रेन्स माने रोटियां, इसने तुम्हें गेहूं की रोटियां खिलाई है। सभी बच्चे समझ गए होंगे, अच्छे बच्चे बोलो। अब चौथी लाइन देखो, कौन सी लाइन देखोगे बेटे, चौथी, उड माने क्या, यू माने तुम, ग्रीव माने दुख दोगी, क्या तुम दुखी कर दोगी, ग्रीव माने दुख देना या दुखी कर देना, बेटे जी आर आई ई वी ई, ग्रीव माने दुख देना या दुखी कर देना, द लवर माने दूल्हे को, क्या तुम दूल्हे को दुख दे दोगी, क्या तुम दूल्हे को दुख दे दोगी, हू माने जो, इस माने है, राइडिंग माने सवारी करके आ रहा है, फोर्थ माने आगे, टू वेड माने विवाह करने के लिए, यू माने तुमसे, जो तुमसे विवाह रचाने के लिए, घोड़े पर सवार होके आ रहा है, क्या तुम अपने दूल्हे को दुखी कर दोगी, जो तुमसे विवाह रचाने के लिए, जो तुमसे शादी रचाने के लिए, घोड़े पर सवार होके आ रहा है, जो घोड़े पर सवार होके तुमसे विवाह रचाने आ रहा है। बेटे समझ में आ गया सबकी, अच्छे बच्चे बोलेंगे या साधो, फिर वही लाइन देखोगे, उड माने क्या, क्यों माने तुम, ग्रीव माने दुखी करोगी, द लवर माने दूल्हे राजा को, हू माने जो, इस माने है, राइडिंग माने सवारी कर रहा है, फोर्थ माने आगे की ओर, टू विट माने विवाह करने के लिए, यू माने तुमसे, जो तुमसे शादी रचाने के लिए, घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, क्या तुम अपने, बताओ दूल्हे को भी दुखी कर दोगी, क्यों छोड़े जा रही हो बिटिया, घर को क्यों छोड़े जा रही हो। सबके समझ में आ गया बच्चे, प्यारे बच्चे बोलेंगे ऐसा नो। दूसरा स्टेंजा देखोगे बेटे, कौन सा है, पहला स्टेंजा खत्म हो गया है, दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं। मदर माइन, मदर माने माता जी, माइन माने मेरी, ए मेरी माता जी,
मदर माने माता, माइन माने मेरी, ए मेरी माता जी, तू माने को द वाइल्ड माने जंगली और फॉरेस्ट माने जंगल, दोनों का अर्थ है घनघोर जंगल, माने घने घने जंगल को, आई माने मैं और एम माने हूँ और गोइंग माने जा रही हूँ, रे मेरी माता जी, घने घने जंगल को मैं जा रही हूँ, मेरी माता जी, घने घने जंगल को जा रही हूँ। बेटा समझ में आया पहली लाइन? आगे दूसरी लाइन देखोगे, बताओ बिटिया कहाँ जा रही है? घने घने जंगल को जा रही है। कहती है मेरी माता जी, मैं तो घने घने जंगल को जा रही हूँ। दूसरी लाइन लिखी है, अच्छे बच्चे सुनेंगे, होयर माने जहाँ, अपान माने पर, द चंपा माने चंपा की, बोझ माने डालो पर, BOUGH बोझ माने, BOUGH बोझ माने, बो माने डाली, BOUGH BOUGH बो माने डाली, और बोझ माने डालों पर, शाखाओं पर, जहां चंपा की डालों पर। बेटे हपान माने पर, दी चंपा माने चंपा की, बो माने डालों पर, जहां चंपा की डालों पर, जहां चंपा की डालों पर, डालियां होता है इसके माने, किसके माने? डालियां। सभी बच्चे देखेंगे क्या होता है बोस माने डालियां, किसकी डालियां हैं? चंपा की डालों पर, जहां चंपा की डालों पर। बेटे आगे लिखा है, चंपा माने चंपा की, बड्स माने कलियां, आर माने हैं ब्लोइंग, ब्लो माने होता हवा का चलना, ब्लो माने क्या होता है? हवा का चलना। लेकिन यहां पर अर्थ ये नहीं है, जहां चंपा की डालों पर चंपा की किलकलियां, आर माने हैं और ब्लोइंग माने खिल रही हैं। ब्लो का अर्थ यहां पर क्या हो गया है? हवा का चलना होता है, लेकिन यहां पर अर्थ है खिलना। जहां चंपा की डालों पर चंपा की कलियां खिलती हैं, जहां चंपा की डालों पर चंपा की कलियां खिलती हैं। बेटे समझ में आ गया होगा? आगे लिखा है कहां को जा रही हूं, जहां कोयल से पढ़ा जाएगा, टू दी कोयल हांटेड, कोयल माने कोयले, HAUNT हांट माने सताना होता है, लेकिन यहां पर अर्थ है कोयल गाना गाती है, HAUNT हांट माने सताना होता है, लेकिन यहां पर अर्थ है गाना गाना। बताओ क्या? गीत गाना, कौन गाना? गीत। और आगे लिखा है गाना, जहां पर कोयल गीत गाती है। बेटे लिखा है द कोयल माने कोयल, हांटेड मीन्स गीत गाती है, जहां कोयल गीत गाती है, टू दी कोयल हांटेड, जहां कोयल गीत गाती है। कहां गीत गाती है? जंगल में गाती है। रिवर माने नदियां, आइल्स माने टापू पर, द्वीप होता है, जहां नदियां टापू पर बहती हैं, जहां द्वीपों पे नदियां बहती हैं। रिवर्स माने नदियां, आइल्स माने टापू या द्वीप, जहां द्वीपों पे नदियां बहती हैं। कहां जा रही हूं? उस जंगल को जहां द्वीपों के ऊपर नदियां बहती हैं, उस जंगल को मैं जा रही हूं, जहां पर कोयले गीत गाती हैं। आगे लिखा है बेटे, होयर माने जहां, लोटस माने कमल के फूल, लिलीस माने कुमोदनी के फूल, जहां कुमोदनी और कमल के फूल, ग्लिस्टियन माने जगमगाना होता है, GLISTEN
ऑक्सीजन की, इसने माने जगमगाना, लेकिन यहां पर अर्थ क्या है, खिलना। जहां पर कमल और कुमोदिनी के फूल खिलते हैं, जहां पर कमल और कुमोदिनी के फूल खिलते हैं, वहां मैं जा रही हूं। ए मेरी माता जी, कहां जा रही हो? जहां कमल और कुमोदिनी के फूल खिलते हैं। सबकी समझ में आ गया? आगे बे चौथी लाइन देखो, दवाई से सुमाने आवाजें आती हैं, आप माने की और फेरी माने परिया होती हैं, फाक मानी लोग होता है, यफ ओ एल के, यफ ओ एल के, फाक मानी लोग, एल साइलेंट है, कौन साइलेंट है एल, फाक मानी होता क्या है लोग, और फेरी खाक का अर्थ हो गया परिया। कहता है वॉइसेस माने आवाजें, आप माने की, जहां परियों की आवाजें, आर माने हैं, कालिंग माने बुला रही हैं, और मी माने मुझको, मैं से जंगल को जा रही हूं, जहां परियों की आवाजें मुझे बुलाती हैं, मैं से जंगल को जा रही, जहां परियों की आवाजें मुझे बुलाती हैं। सबकी समझ में आ गया? द वॉइसेस माने आवाजें, आफ माने की, और फेरी फाक माने परियों की, और आर माने है, काली माने बुला रही हैं, अर्थ है बुलाती हैं, जहां परियों की आवाजें मुझे बुलाती हैं, मैं ऐसे जंगल को जा रही हूं। ओ लिसन, अरे सुनो सुनो मेरी माता जी, ओ लिसन से, अरे सुनो मेरी माता जी, मैं ऐसे जंगल को जा रही हूं, जहां परियों की आवाजें मुझे बुलाती हैं। दो स्टेंजा खत्म हो गए, समझ में आ गया बच्चे? अच्छे बच्चे बोलो, तीसरा शुरू करने जा रहे हैं, देखो।